महक। मत अच्छी तेरी, कल रात हमने पुलिस को नहीं बुलाया, लेकिन अब लगता है कि बुला ही लेना चाहिए। अरे बुला लेना चाहिए था यार। देख, हमें ना तेरा चेहरा देखना है ना तेरी कोई बात सुननी है। चुपचाप यहाँ से चला जा। यो बता, अगर उस छोरे से तुझे इतनी ही नफरत है तो क्यों थम जावे तू उसके आगे आते ही? अगर कोई मतलब ना है तो क्यों कल रात तू उसे चादर उड़ाने आई? क्यों इतनी परवाह करती है तू उस छोरे की? तू चाहे मरे या जिए। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही वो छोरी जिसने मारे घर में घुस के मेरे पे हाथ उठाया। चले जाता है। आप लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट है, आप लोग थाने चलिए। रुके, इंस्पेक्टर साहब, ये लोग निर्दोष हैं। गलती इस आदमी की है, इसको अरेस्ट करिए। मैं महक को एशियन गेम्स के लिए स्पॉन्सर कर रही हूँ। देखो मैं, तुम्हें एक चैरिटी मैच करना पड़ेगा, तुम्हें शौर्य से फाइट करनी होगी, और वो मैच यहाँ इसी बॉक्सिंग रिंग में होगा। कर पाओगी? ये गेम मेरे प्लान को एक स्टेप और आगे ले जाएगा। ये मारी इज्जत का सवाल है बेटा। जी। अरे सुन बेटा, अने मेरे ते जो भी नाराजगी है उसने तू बॉक्सिंग रिंग में उतार, ठीक? लेकिन रणशो कंपनी की डील सिर्फ तुझे ही मिलनी चाहिए। हाँ जी। तू समझ तो रहा है ना कितना जरूरी है मेरे लिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बेस्ट ऑफ लक बेटे, बढ़िया से खेल, ठीक? प्लीज। सॉरी डैडी जी, लेकिन आज का मैच तो महक ही जीतेगी, क्योंकि उसकी जीत में मेरी जीत है। लेकिन मैं मैच के लास्ट राउंड तक रह के हारना चाहूंगा, क्योंकि जितनी देर उसके करीब रहूंगा ना, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जन्नत में हूं। सुनो ना, ओपोनेंट से नजरें नहीं मिलाओगी तो मैच कैसे जीतोगी? देखो ना यहाँ पे लोग ही तुम्हारी से। सुनो सुनो, सुनो, देखो फिर से मत मारो, पूरी उम्र तुम्हें देखना है, इतना तो रहम करो ना प्लीज। शौर्य खुद को डिफेंड क्यों नहीं कर रहा? मार खाने में मजा क्यों ले रहा है? हॉट लड़की, बस यही मेरी एक कमजोरी है। इतनी ऐश आपने की है ना, उतनी तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी नहीं करते हैं। तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? यस सर, यस सर, आई विल गेट इट डन। महक रिलैक्स, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे दोस्ती करने की कोशिश करो, ये लोग तुम्हारे काम आएंगे।
नाराज नहीं होगी। इतना प्यार करती हूँ मुझसे कि मेरी जान बचाने के लिए अपने पापा से भी लड़ गई। कब तक अपने प्यार के इशारे से भागती रहोगी? आज नहीं तो कल ये सच सबके सामने आ ही जाएगा। महक और पिया अलबेला के महासंगम एपिसोड में कल देखिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता सीधा नहीं होगा, टेढ़ा होगा। बाबू नहीं, अंगराज है। करने का समय हो क्या पूछा? मुझे किसी और ने भी इस घर से जाने के लिए कहा। किसने? कौन है बुआ के अलावा जिसने ये कहा तुमसे कि तुम इस घर में नहीं आ सकते? राखी आंटी। दादी की इकलौती खुशी हम थे। दादी भी हमेशा हमें एक साथ देखना चाहती थी। दादी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं ना कि किसी के चले जाने के बाद भी उनकी उनकी इच्छा नहीं जाती। शायद उनकी मर्जी है जो हम बार बार इस तरह मिल रहे हैं। भाई को देखकर पुराना प्यार याद आ गया, इसीलिए फेस इतना ग्लो कर रहा है। महक और पिया अलबेला के महासंगम एपिसोड में कल देखिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता सीधा नहीं होगा, टेढ़ा होगा। मेरे बाबू नहीं, अंगराज है। करने का समय हो क्या पूछा? आपके आ जाने से मैं इस पूरे हफ्ते यश यश साहिल वेदिका की प्रेम कहानी में आएंगे नए मोड़। साहिल, ये क्या कर रहे हो तुम? साहिल, हर दिन होगा नया ड्रामा। रुको, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। देखना मत भूलिएगा आपके आ जाने से 30 जुलाई से 3 अगस्त रात 10:30। अपना गुस्सा ना थोड़ी देर साइड रख के देखो, तुम्हें दिखेगा ना मेरी बात गलत है, ना ही मेरे तरीके और ना ही मेरा प्यार। प्यार से ना सही तो गुस्से से ही सही, इसी बहाने आपने हमें छुआ तो सही। राज, हाथ छोड़ो मर। चलो अब हमारे जिस्म मिल गए हैं तो दिल भी मिल ही जाएंगे। जाने में राज।